अच्छा जैसे आपसे बात हुई थी हमारी, तो आप बताते हैं कि कौन से अच्छे काम किए आपने रमजान में। दरअसल बात यह है कि हमने इस माह मुबारक में अपने कुछ दोस्तों के ताउन के साथ हमने यतीम खाने में बच्चों को एक वक्त का खाना खिलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको खाना तो वहाँ मिल जाता है, अगर आप कपड़ों का या खिलौनों का बंदोबस्त करते उन बच्चों के लिए तो ज़्यादा बेहतर होता। चले उनसे दोस्त आइए आइए, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो आप बता देते हैं काइंडली कि रमज़ान में आपने जो अच्छे काम किए हैं। इस रमज़ान में हमने अपने दोस्तों के ताउन से मिलके हम लोगों ने कच्ची बस्ती के बच्चों को खाने माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि गरीब बच्चे खिलौनों के साथ क्या करेंगे, उनको अगर खाने के लिए कुछ मिलता है या पहनने के लिए कपड़े मिलते तो बहुत बेहतर होता। चले मेरे ख्याल अगले दोस्त से मिलते हैं। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा वो आपसे बात हुई थी कि रमज़ान में जो आपने अच्छे काम किए हैं, बता दें। जी, इस रमज़ान हमने कोशिश की है कि हमने कुछ गरीब घर ढूंढे जिनके पास नौकरी नहीं थी, फिर हमने पिछले 3 हफ्ते उनके घर राशन सप्लाई किया, छोटी सी कोशिश की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आपको नहीं लगता कि राशन तो आपने एक वक्त का दे दिया उनको, वो तो ख़त्म हो जाएगा, कोई अगर मुस्तकिल नौकरी का बंदोबस्त कर देते, कोई दुकान लगवा देते तो उनके हक में भी बेहतर होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मशवरे तो आप भाई बहुत अच्छे देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताते हैं इनमें से आपने कौन सा काम किया इस रमज़ान में? जी मैंने दूसरे के अच्छे अमल पर एतराज़ ना करें, अगर किसी अच्छे काम में बेहतरी की गुंजाइश है तो ख़ुद कर लें। अगर मैसेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए।